नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने तुलसी के पौधे को ठंड में कैसे बचाएं ठंड के पाले से, और इसे हरा भरा बनाए रखें और घना कैसे बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या कर वो कौन से काम है जिन्हें करके हम तुलसी के पौधे को ठंड में भी हरा भरा और घना बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, पहली चीज की मैं दिखाऊँ आपको, ये मेरा तुलसी का पौधा है। और तुलसी आप जैसे सभी जानते होंगे कि दो तरह के पौधे होते हैं, जिसको हमारे पुराणों में मान्यता है, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। तो ये मेरी श्यामा तुलसी है। रामा तुलसी जो हरी वाली होती हैं, वो होती हैं जिनकी पत्तियां हरी होती हैं और ये थोड़ी ब्लैकिश में होती हैं। तो इस तुलसी को दोनों तुलसी के फायदे एक समान ही होते हैं। तो दोस्तों, जो तुलसी की केयर है, आप देखें इसके पत्तों पे कोई लेयर ना जमी हो या फिर कोई अटैक ना हो माइट्स का या एफिड्स का। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। अगर कोई एफिड्स आपको दिख रहे हैं पत्तों पे या पत्ते आपको ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, जैसे ये देखिए ये पत्ता है तो कुछ मुड़ा मुड़ा सा दिख रहा है इस पर हल्की हल्की, तो इस पर हमें क्या करना है कि नीम ऑयल का स्प्रे करना है। हमें नीम ऑयल का स्प्रे करके इन एफिड्स को हटाना है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप इस प्रकार राख का भी यूज कर सकते हैं। जो लकड़ी का राख होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है, एक फंगिसाइड का काम करता है। तो आप राख का भी अपने पत्तों पे इस प्रकार छिड़काव कर सकते हैं तुलसी के, तो इससे भी जो उस पर कोई बीमारी लग रही होती पत्तों पे तो वो साफ़ हो जाती है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम ऑयल का स्प्रे कैसे करना है अपने पौधों पे, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। फिर दोस्तों, तुलसी के पौधे में ठंड ज़्यादा होती है अगर इस समय अपने यहाँ, तो वाटरिंग जो होती है, क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यता है और रोज़ हम लोग तुलसी के पौधे में जल देते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और मिट्टी बहुत नम हो जाती है, तो रूट्स डैमेज होती हैं, रूट रॉट का खतरा बढ़ता है। तो आपको उसकी केयर करनी है कि वाटर इसमें बहुत ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों, जब भी आप जल दीजिए तो उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए, और हफ्ते में एक से दो बार इसकी गुड़ाई अवश्य कर दें। गुड़ाई करने से पहले ये जान लें कि मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा ना हो, तब गुड़ाई करें। जैसे अगर आप मिट्टी में अभी पानी ज़्यादा है, बारिश के पानी से मिट्टी भर गई है, तो आप एक दो दिन बाद जब मिट्टी हल्की ड्राई हो जाए तब गुड़ाई करें, ताकि गुड़ाई अच्छे से हो जाए। फिर दोस्तों, अभी सर्दियों के मौसम में ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो पाले से भी बचाना होता है। तो आप इसे चाहें तो किसी शेडेड प्लेस में रखें शाम के टाइम में, या फिर किसी कपड़े से इसे ढक दें किसी चीज़ से, जिससे कि डायरेक्ट जो ओस गिरती है, पाला पड़ता है, वो इस पे ना पड़े, तो उससे भी आपका पौधा बचा रहेगा, सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। फिर दोस्तों, हमें इसमें जो कंपोस्टिंग की बात करें, तो हमें तुलसी के पौधे में कंपोस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती तुलसी को। अभी जनवरी का मौसम चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, आप जनवरी फरवरी मार्च तक इसमें अगर काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट एक बार दे देते हैं तो आपका ये पौधा 4-5 महीने तक बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे चलता रहता है। बस आपको मिट्टी की गुड़ाई नियमित अंतराल पे करते रहना चाहिए। अब दोस्तों, जब भी आपके यहाँ बारिश हो, अगर बारिश हो रही है, तो बारिश के बाद एक बार आप किसी भी फंगिसाइड पाउडर से लिक्विड बना के आप इस पे स्प्रे जरूर कर दें, जिससे कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके तुलसी प्लांट में ना पड़े। फंगिसाइड पाउडर का इन्फेक्शन स्प्रे आपको करना है, करीब 1 चम्मच का फंगिसाइड पाउडर लें आप, 1 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे अपने पौधे पे कर दें। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा जो होता है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में घोल के उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपके पौधे पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो माइट्स अटैक या एफिड्स का अटैक है वो सब नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको तुलसी के पौधे की केयर करनी है। और दोस्तों, तुलसी को घना बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसमें फल बनते हैं तुलसी के, आप उन्हें हटाते रहें। जैसे कि ये देखिए, ये जो तुलसी के बीज बन रहे हैं
इन्हें हम किसी चाकू या कैंची की मदद से काट देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके तुलसी के पौधे में इस प्रकार कोई भी फल ना बने, क्योंकि अगर ये फल बन जाते हैं तो फिर आपकी तुलसी घना नहीं बन पाती है। तो आप इन्हें हटा दीजिए पूरे पौधे से। देखिए मैंने काफ़ी सारे हटा रखे हैं, एक दो जो रह गए थे वो मैंने अभी हटा दिए हैं। तो इस प्रकार अगर आप तुलसी की केयर करेंगे तो आपकी तुलसी हमेशा हरा भरा और घना रहेगी, खास करके ठंडियों के मौसम में भी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जितना हो सके साझा करें और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।